मुंबई पुलिस ने दो ऐसे एटीएम के महाठगों को गिरफ्तार किया है जो एटीएम सेंटर में पैसे निकालते समय टेक्निकल एरर क्रिएट कर पहले पैसे निकाल लेते थे, फिर संबंधित बैंक में शिकायत कर अकाउंट में पैसे मंगा लेते थे। जोन 12 के डीसीपी विशाल ठाकुर ने बताया कि 18 अक्टूबर की सुबह मालाड पुलिस को सूचना मिली कि एक एटीएम सेंटर के अंदर कुछ लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंची मालाड पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो पता चला कि यह दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपी जिस एटीएम सेंटर में सीसीटीवी और वॉचमैन नहीं रहता था उसे एटीएम सेंटर को अपना टारगेट बनाते थे। पकड़े गए आरोपियों का नाम आरिफ खान और रशीद खान है। यह दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं और यह दोनों आरोपी हरियाणा से मुंबई फ्लाइट से आते थे और एटीएम में ठगी करने के बाद वापस फ्लाइट से हरियाणा चले जाते थे। पुलिस ने इनके पास से 30,000 कैश और 68 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। पकड़े गए सभी एटीएम कार्ड आरोपियों के जान पहचान वालों का है। कार्ड धारक को भी ठगी के पैसे का कुछ हिस्सा देते थे। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। को सुबह 3:30 बजे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसमें एक एटीएम में कुछ छेड़छाड़ करते हुए दो सस्पिशियस लोगों को देखा गया है। उस एक कॉल मिलते ही मालाड पुलिस स्टेशन के ड्यूटी स्टाफ और ऑफिसर इमीडिएटली वहाँ पे उन्होंने विजिट किया। विजिट करने के बाद उन्हें पता चला कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एटीएम में गड़बड़ किया गया उन्हें दिखा। उसके बाद में उन्होंने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो उन्होंने दो सस्पिशियस एक्टिव्स को अरेस्ट किया है जिनके पास से जो एटीएम में छेड़छाड़ किया गया उसमें से 30,000 रुपये उन्होंने विड्रॉ किए थे उनको भी रिकवर किया गया है। उसके साथ में ही उनके पास से 68 अलग अलग बैंक के एटीएम कार्ड्स मिले हैं जिनका यूज़ वो सदर ये जो केस ने जो गुना उन्होंने किया है इस तरीके से एटीएम से पैसे विड्रॉ करने के लिए वो एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते थे। ऐसे अभी तक मॉडस किस तरह आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं और कितने लोग हैं इसमें शामिल? ये आरोपी राजस्थान स्टेट के मेवाड़ के रहने वाले हैं। सर मॉडस किस तरह का इनका है? ये जो आरोपी है ये आरोपी का जो एक गैंग है ये लोगों को उस जो एटीएम में जो सिस्टम एटीएम सिस्टम जो उसके जो कुछ तकनीकी एरर कैसे उसमें ला सकते हैं ऐसे उनको ट्रेनिंग दिया गया है। उसमें उन्होंने जब पैसे हम एटीएम में विड्रॉ करते हैं कार्ड स्वाइप करने के बाद में तो वहाँ से पैसे विड्रॉ होने के बाद भी वो सर्वर को मैसेज कम्युनिकेशन नहीं होगा ऐसे उनके पास में टेक्निक है जिससे सर्वर को ये नहीं पता चलता कि पैसे विड्रॉ हुए। उसमें टेक्निकल एरर दिखाता है ताकि पैसे विड्रॉ करने के बाद में भी जिस अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए गए उस अकाउंट में वापस बैंक क्रेडिट करता है तो इससे बैंक का भी लॉस होता है और ये भी वहाँ से पैसे विड्रॉ करते हैं। सर एक सवाल ये है कि क्या ये इनकी एजुकेशन टेक्निकली एजुकेशन है या आईटी वगैरह करके इनके जिस तरह का ये कर रहे हैं ये हाई प्रोफाइल लोग कर पाते हैं? ये दोनों आखिर से अभी आगे की तहकीकात चल रही है। अभी तक की तहकीकात में तो ये पता चला है कि लोगों ने एटीएम मशीन्स में किस तरीके से तकनीकी एरर क्रिएट करके कैसे पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं इसका उन्होंने अच्छे से स्टडी किया हुआ है और उसका उन्होंने डिसएडवांटेज भी दिया। सर जनता के लिए कोई मैसेज? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अलग अलग बैंकों से भी हम ऐसे निवेदन करेंगे कि उनके यहाँ पे जितने भी अभी तक ऐसे मोडस के जहाँ पे पैसे विड्रॉ हुए हैं लेकिन विड्रॉ का मैसेज सर्वर तक नहीं गया है तो उन्होंने ऐसे सभी जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनका उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का वापस एक बार चेक करना चाहिए। उसके साथ ही साथ ऐसे इंफॉर्मेशन उन्होंने पुलिस को देना चाहिए और सभी एटीएम में सीसीटीवी चालू है कि नहीं ये उन्होंने देखना चाहिए जिसकी वजह से बैंक का भी लॉस नहीं होगा।